चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की जिसने विश्व को प्रेम का रास्ता दिखाया। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण महोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि बजे मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन लोग व्रत रख कर बाल गोपाल के आगमन के लिए तरह तरह के पकवान बनाते हैं। मंदिरों और घरों में सजावट की जाती है। पंचांग भेद के कारण इस साल जन्माष्टमी दो दिन यानी 18 और 19 अगस्त को मनाई जाएगी। 18 अगस्त 2022 गुरुवार की रात 9:21 से अष्टमी तिथि शुरू हो रही है, तो 19 अगस्त 2022 शुक्रवार की रात 10:50 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाल गोपाल का जन्म रात 12 बजे हुआ था। लिहाजा रात्रि में कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए 18 अगस्त का दिन उत्तम है। वही सूर्योदय की दृष्टि से देखें तो 19 अगस्त को पूरे दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन दही हंडी का उत्सव मनाया जाता है। दही हंडी के पर्व में मिट्टी से बनी हंडी में दही और मक्खन भर भर कर रस्सी के सहारे से कई फीट ऊंची बांधी जाती है और फिर उसे फोड़नी होती है। कुछ लोग पिरामिड बनाकर मट्टी को फोड़ते हैं। ऐसे ही आज भी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ दही हंडी मनाई जाती है। इस साल जन्माष्टमी बेहद शुभ योग में मनाई जाएगी। कृष्ण के जन्मोत्सव पर वृद्धि और ध्रुव नामक दो शुभ योग बन रहे हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जी का जन्म सिर्फ पूजा अर्चना का विषय नहीं बल्कि एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है।